तो दोस्तों चलिए आज लेकर के हैं आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेट नंबर 10 यानी कि 10वां सेट। दोस्त इसमें भी 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, तो चैप्टर वाइज चल रही है जैसा कि आपको पता होगा या जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। तो दोस्त आज 200 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने जा रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो दोस्त जो लोग एलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भर रखे हैं दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, बीच में छोड़ के या स्किप करके मत जाइएगा। लोग गलती करते हैं कि शुरू में ही 2-4 क्वेश्चन देख के स्किप करके ये छोड़ करके चले जाते हैं, ये गलत करते हैं। जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, आप उसे ही छोड़ के चल जाते हैं, ये गलत है। चलिए जो लोग जो है क्या है कि अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं, क्योंकि हमने स्कोर कार्ड देखा है बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया है, तो दोस्त क्या कीजिए आज भर तक लिंक एक्टिव है, फटाफट जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाला हुआ है, पास कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाला हुआ है, लोग लिंक पे जाकर के पास कोड हमसे पूछने लगते हैं। दोस्त उसी के सामने नीचे दिया हुआ है उसे जाकर के क्या कीजिए टेस्ट दे लीजिए, लिंक एक्टिव है अभी तक के, ठीक है। तो फटाफट देर मत कीजिए जाकर के दे लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं ये सेट नंबर 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है इसमें कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन जो अधूरे रूप से दहन होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, पहला क्या कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, या दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, चौथा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दोस्त निकलती कौन सी है गैस जब पेट्रोल डीजल जैसे क्या होते हैं ईंधन अधूरे रूप से जलते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको हम बता देते हैं सिर्फ पेट्रोल डीजल की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि इसके जैसे जितने भी ईंधन होते हैं जैसे लकड़ी हो गया, किरोसिन तेल हो गया, पेट्रोल डीजल तो है ही, जो भी है वो अधूरे अगर जलते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है अधूरे दहन से, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है इसमें क्या कि मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है। जी हाँ मार्बल कैंसर, अब समझिए कि मार्बल कैंसर होता क्या है, तो वो घटना किसके कारण होती है ये कहा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में आपको क्या कहा जा रहा है कि कालिक के कण के वजह से जो है मार्बल कैंसर की घटना होती है, या सीएफसी, सीएफसी कहने का मतलब क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तीसरा नंबर कह रहा है लोगा, चौथा नंबर कह रहा है अम्लीय वसा। दोस्त किसके कारण मार्बल कैंसर होता है, ध्यान रखिएगा आपको हम बता देते हैं कि मार्बल कैंसर के नाम से वैसे जाना जाता है तो अम्लीय वसा को जाना जाता है, क्यों जाना जाता है ये भी जान लीजिए। अम्लीय वर्षा में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जैसे जो गैस मिले होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, और भी सारे गैस मिले होते हैं जो अम्लीय वर्षा कराने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो जब ये क्या होते हैं कि मार्बल जैसे जितने भी संगमरमर वाले पत्थर होते हैं उस पर जब गिरते हैं तो उसकी चमक खत्म कर देते हैं, उसकी चमक खत्म कर देते हैं, एक कैंसर के रूप में बरसता है, ध्यान रखिए। इसलिए क्या कहा जाता है ये अम्लीय वर्षा को जो है मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिए। तो ताजमहल देखे होइएगा ना, ताजमहल के आसपास में बहुत सारे कारखाने थे, उसको धीरे धीरे बंद कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि उसी से धुआं जो निकलती थी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जैसे गैस उसमें मिले होते थे, अब वो अम्लीय वर्षा होकर के धीरे धीरे ताजमहल की चमक खत्म कर रही थी, इसलिए गवर्नमेंट के नोटिस पे वहां के बहुत सारे कारखानों को बंद कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये मार्बल कैंसर जो है अम्लीय वर्षा को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि पेड़ हमारे पर्यावरण के प्रदूषण को क्या करते हैं कि कम करने में मदद करती है, बिल्कुल मदद करती है, हम लोगों को भी पेड़ लगाना चाहिए, बिल्कुल। हर साल क्या होता है कि जुलाई के महीने में लाखों लोग पेड़ लगाते हैं, तो इस अवसर को क्या कहा जाता है। जी हाँ काफी इंपोर्टेंट है, क्या कहा जाता है इस अवसर को यही बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि वन संरक्षण दिवस कहते हैं, या दूसरा नंबर वृक्षारोपण कहते हैं, या तीसरा नंबर कह रहा है कि वन महोत्सव कहते हैं, या चौथा नंबर कह रहा है कि वन्य जीव जो है सप्ताह कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जुलाई के महीने में वृक्ष लाखों के तादाद में लोग लगाते हैं, वो जो महोत्सव होता है वो वन महोत्सव होता है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन है, ये कब होता है तो फर्स्ट जुलाई से लेकर के मतलब पहला जुलाई के पहला वीक जो होता है वो वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी में क्या होता है कि लाखों लोग जो है वन महोत्सव की वजह से लाखों लोग जो है वृक्षारोपण करते हैं प्रदूषण कम करने के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है,
जी हाँ, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में आपको हम बता देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है ये आपको जानना है। तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि ये नाइट्रोजन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस का नहीं है, घटक नहीं है एक तरह से कहिए, ठीक है। बाकी जलवाष्प देख रहे हैं, तो जलवाष्प जल से जो वाष्प बनता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, मीथेन होता है, ये जलवाष्प बनता है H2O होता है, और ये मीथेन गैस होता है CH4 होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या होता है दोस्त, ये सब जो है आपका ग्रीन हाउस गैस ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि ताप बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना बढ़ जाएगी। जी हाँ, अगर ताप टेम्परेचर जो होगा क्या होगा कि बढ़ेगा, तो इसमें से कौन सी घटना जो है बढ़ जाएगी, तो ये बताना है आपको। हम बता देते हैं कि ध्यान रखिएगा, इसमें जो संपीड़न दिया हुआ है ये संपीड़न ताप बढ़ने पर नहीं बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। और संपीड़न किस किस में है ये भी देख लीजिए, फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में भी है संपीड़न। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो होगा ही नहीं, होगा कौन सा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या गैसों का वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, विसरण भी बढ़ेगा और विस्तार भी बढ़ेगा, किसके वजह से, ताप बढ़ने की वजह से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि गर्मियों के दौरान मिट्टी में रखी हुई बर्तन क्या होती है कि पानी किस वजह से ठंडा होती है, मिट्टी के बर्तन में गर्मी के दिनों में पानी ठंडा रहती है वो किस वजह से होती है ये बताना है आपको। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि विसरण के वजह से, या दूसरा कह रहा है वाष्पोत्सर्जन के वजह से, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है प्रसरण के वजह से, या चौथा नंबर आपको दिया जा रहा है कि वाष्पीकरण के वजह से, किसके वजह से, ध्यान रखिएगा। आपको हम बता देते हैं कि गर्मी के दिनों में घड़ा में जो पानी होती है वो ठंड क्यों होती है, क्योंकि देखिए घड़ा में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे बारीकी से छिद्र होते हैं, उसी छिद्र के माध्यम से क्या होता है कि बाहर जो है पानी रिसाव होता है और वाष्पीकरण होता है उसका जल्दी। गर्मियों में वाष्पीकरण क्या होता है, जल्दी होता है, जिस वजह से बाहर के पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाते हैं, अंदर क्या होता है कि घड़ा में रखा हुआ पानी ठंड होती है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि आयोडीन के टिंचर में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, यह घोल कौन सा घोल होता है, ठीक है। तो यही आपको बताना है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर क्या रहा, कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का घोल होता है, जो आयोडीन घोल एंटीसेप्टिक गुण दर्शाता है, क्या ये होता है। या दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि वैसलीन में आयोडीन का घोल होता है, या तीसरा नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि पानी में आयोडीन का घोल होता है, या चौथा नंबर कहा जा रहा है इसमें कि अल्कोहल में आयोडीन के घोल बन घोल घोल करके जो है बनाया जाता है, क्या ये एंटीसेप्टिक गुण दर्शाता है, कौन है इसमें, कौन सा आयोडीन घोल है जो एंटीसेप्टिक गुण दर्शाता है। तो आपको हम बता देते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा होगा वो एंटीसेप्टिक गुण दर्शाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, अल्कोहल में आयोडीन का घोल जो बनता है वो एंटीसेप्टिक गुण दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाल्टन परमाणु के सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझा दिया था, इसमें से चार आपको विकल्प दिया हुआ है, चार विकल्प में से कौन कौन सा विकल्प जो है डाल्टन साहब ने अच्छी तरह से समझाया था, चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर कहा जा रहा है आपको कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को अच्छी तरह से उन्होंने समझाया था, तो जी हाँ ये भी समझाया था उन्होंने सही तरीके से। दूसरा नंबर क्या कहा जा रहा है, दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि स्थिति संरचना के नियम को भी अच्छी तरह से समझाया था, बिल्कुल ये भी समझाया था उन्होंने। तीसरा नंबर कहा जा रहा है कि रेडियो धर्मिता के नियम को उन्होंने समझाया था, तो जी नहीं ये नहीं समझाया था उन्होंने, रेडियो धर्मिता उन्होंने नहीं समझाया था, वो रदरफोर्ड में गया था, ठीक है। चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि बहु अनुपात के नियम को समझाया था, तो जी हाँ ये भी समझाया था, मतलब एक दो और चार, ये जो आपका दिया हुआ है विकल्प एक दो चार, ये तीन जो है उन्होंने क्या किया कि अच्छी तरह से समझाया था। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि एक दो तीन चार है कहां, वही मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, एक दो चार, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये, हाँ ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, एक दो चार डाल्टन साहब द्वारा जो है समझाया गया था अच्छी तरह से, बाकी जो है रेडियो धर्मिता जो है वो रदरफोर्ड साहब के द्वारा समझाया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व के लिए सही है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के लिए सही है। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो दोस्त चुटकी में मार सकिएगा। देख लीजिए पहला क्या कहा जा रहा है, पहला कह रहा है इसमें कि परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटोन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या का योगफल होता है,
जी नहीं, ये गलत है। परमाणु संख्या जो होता है वो केवल प्रोटॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो ये गलत है। दूसरा नंबर देख लीजिए, कहता है कि द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये सही है। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को जब जोड़ देते हैं तो हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है, ये सेकेंड नंबर सही है। आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है इसमें थर्ड नंबर में क्या कहा जा रहा है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटोन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है आपस में, तो क्या ये होती है, तो जी नहीं, ये गलत है, ये गलत है। चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर कह रहा है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटोन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या ये है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। परमाणु की संख्या जो होती है जितना होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो ध्यान रखिए इसमें मेरा ऑप्शन कौन कौन सा सही है, तो एक तो फर्स्ट नंबर मेरा सेकंड नंबर है ना, हाँ सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन सही है, और फोर्थ नंबर, तो सेकंड और फोर्थ मेरा क्या है कि ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कि सेकंड और फोर्थ है कौन, सेकंड और फोर्थ, हाँ ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड और फोर्थ जो है मेरा विकल्प क्या है कि सही है, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रयोग से पता चलता है, क्या क्या पता चला था रदरफोर्ड के अल्फा कण से, यह बताना है। तो देख लीजिए, पहला आपको दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि ऋण आवेश होता है, क्या ये रदरफोर्ड के अल्फा कण में पता चला था, तो जी नहीं, ये पता नहीं चला था। दूसरा नंबर ध्यान लीजिए, चलिए पहले आपको बता ही देते हैं, चाहे पहले देख ही लीजिए। दूसरा नंबर कह रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान क्या और जो है धनात्मक आवेश जो होता है वो नाभिक के केंद्र में स्थित होता है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नाभिक के केंद्र में धनात्मक क्या होता है कि आवेश स्थित होता है, ये सही है। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर क्या कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन नाभिक में मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन नाभिक में मौजूद होते हैं, ये गलत है। चौथा नंबर कह रहा है कि परमाणु में अधिकांश भाग जो होता है क्या होता है कि खाली होता है अधिकांश, तो ये सही है। अब क्यों है, कैसे है, जान लीजिए, ये ऑप्शन जो होगा मेरा करेक्ट, ये सेकेंड और फोर्थ मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड फोर्थ इसमें देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा रदरफोर्ड का। आपको हम बता देते हैं कि रदरफोर्ड के प्रयोग का, ये रदरफोर्ड है जिन्होंने अल्फा कण से क्या किया गया था, इस पे आघात कराया गया था, आघात कराया था, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आपको बात बता रहे हैं। तो अल्फा कण जब इन्होंने आघात कराया था, इसमें क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा कण जो था सीधा आर पार निकल रहा था, सीधा आर पार, तो इससे पता लगाया गया कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ खाली भाग है, जिसके कारण क्या अल्फा कण सीधा आर पार निकल रहा है, खाली भाग नहीं रहता तो वापस आता ना। दूसरी नंबर बात की, जैसे ही अल्फा कण क्या होता है कि केंद्र के बीच जाता है, वैसे ही मुड़ जाता है, वैसे ही दूसरी तरफ क्या होता है मुड़ जाता है, तो अल्फा कण तो पॉजिटिव होता है, जैसे उसके पास गया मुड़ गया, मतलब पहले से पॉजिटिव वहां पे क्या है कि मौजूद है, तभी तो विकर्षित कर दिया एक दूसरे को दूर, न तो नेगेटिव होता तो आकर्षित हो जाता उसकी ओर, तो ये चीजें था। तीसरा देख लीजिए, कण डायरेक्ट जो है नाभिक में आया, नाभिक से सीधा वापस जो है रिटर्न हो गया, तो ये वहां पे पहले से केंद्र में क्या था कि धन आवेश मौजूद था, तो ये दो चीजें उन्होंने पता लगाया था कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है, उसके केंद्र में होता है कोई ना कोई एक पॉजिटिव आवेश मौजूद होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अल्फा कण जो है वापस रिटर्न आ जाता है, तो ये उन्होंने रदरफोर्ड साहब ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। जी हाँ, परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा, तो जिन्होंने परमाणु का खोज किया होगा उन्होंने परमाणु का क्या हुआ होगा कि पहला मॉडल दिया होगा। पहला देख लीजिए कि एन बोहर साहब ने दिया था, या दूसरा नंबर कह रहा है कि गोल्डस्टीन साहब ने दिया था, या तीसरा नंबर कह रहा है कि रदरफोर्ड, या चौथा नंबर कह रहा है जे.जे. थॉमसन साहब ने, तो किसने परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, पहला परमाणु का मॉडल जो प्रस्तुत किया था ये फोर्थ नंबर, जे.जे. थॉमसन साहब ने। ठीक है, इन्होंने ही क्या क्या प्रोटोन का खोज किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल में बदला जा सकता है। जी हाँ, इसमें से किसको जो है क्रिस्टल में बदला जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, एक जीवाणु को, या दूसरा नंबर कह रहा है अमीबा को, या तीसरा नंबर कह रहा है कि वायरस को, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है दोस्त कि एक शुक्राणु को, किसको बदला जा सकता है क्रिस्टल में, तो ध्यान रखिएगा, वायरस जो होता है दोस्त उसको क्रिस्टल में बदला जा सकता है। यह थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, वायरस को एक क्रिस्टल में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से ढके होते हैं। जी हाँ, एकल झिल्ली से ढके होते हैं वो कौन है। पहला देख लीजिए, कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, या दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि रिक्तिका, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि लाइसोसोम, या चौथा नंबर कह रहा है कि बी और सी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं, जो
एक झिल्ली से ढके जो होते हैं दोस्त, आपको हम बता देते हैं कि वो होते हैं ये सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों, मतलब कि क्या रित्तिका और लाइसोसोम दोनों क्या होते हैं कि एकल झिल्ली से ढके होते हैं, एकल झिल्ली से ढके होते हैं। तो इसलिए ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक अमीबा प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है यही इसमें बताना है। अमीबा किस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं यही इसमें बताना है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको कह रहा है कि एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, या दूसरा नंबर एंडोसाइटोसिस कहते हैं, या तीसरा नंबर कह रहा है कि प्लाज्मोलोसिस कहते हैं, या चौथा नंबर कह रहा है इसमें क्या कि ए और बी दोनों, यानी ए और बी ये दोनों के दोनों कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं अमीबा जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको ये दोनों विधि कहा जाता है, क्या एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस ये दोनों कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों कहते हैं, मतलब कि ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है तो दोस्त सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक सरल शर्करा में जटिल शर्करा बनाने में शामिल कोशिका अंग है, क्या है शामिल कोशिका अंग है ये बताना है। एक सरल कोशिका से जटिल जो है शर्करा बनाने में कौन काम करता है, कौन कोशिका अंग जो है शामिल है इसमें ये बताना है। तो आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर, आपको डायरेक्ट बताते हैं कि सरल कोशिका से जटिल कोशिका कौन बनाते हैं, ये फोर्थ नंबर क्या गोल्जी उपकरण, क्या है गोल्जी उपकरण, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इसमें से किसकी कोशिका भित्ति जो होता है सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है। जी हाँ, सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है। तो आपको हम बता देते हैं कि सेल्यूलोज जो होता है वो क्या होता है कि पादप कोशिका में पाया जाता है, किसमें पादप कोशिका में, मतलब पेड़ पौधे वाले में सेल्यूलोज जो होती है से। तो ध्यान रखिएगा, पहला नंबर देख लीजिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पेड़ पौधे में नहीं आता है, तो यही मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी तीन देख लीजिए, ये पेड़ पौधे में आता है, हाइड्रेला भी पेड़ पौधे में ही आता है, पादप में आता है, ये तीसरा नंबर आम का पेड़ भी पेड़ पौधे में ही आता है, कैक्टस ये पेड़ पौधे में आता है। तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा कि ये करेक्ट होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होता है कि सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, सेल्यूलोज हमेशा पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर है। जी हाँ, कोशिका का रसोई घर इसमें से कौन है ये बताना है। तो जहां पे खाना बनता होगा वही रसोई घर होगा, रसोई घर होता कौन है तो ये थर्ड नंबर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसी में क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पादप का जो है भोजन तैयार होता है, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है कि रसोई घर कहते हैं। ठीक है तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखे जाने वाला एकमात्र कोशिका अंग है कौन सा है, एकमात्र कोशिका अंग वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ध्यान रखिएगा। तो आपको हम बता देते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो देखे जाने वाला एकमात्र कोशिका अंग जो है ये सेकेंड नंबर क्या राइबोसोम, ध्यान रखिएगा क्या है राइबोसोम है, तो इसको ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक माइक्रोमीटर बराबर होता है या एक माइक्रोमीटर है क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको याद होगा तो शायद आप टिक मार सकते हैं, याद रखना जरूरी है। मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो 3, 6, 9, 12, 15, 18 पावर में माइनस जाएगा, तो मिली मतलब 3 पावर जाएगा 10 के पावर 3, माइक्रो मतलब 6, 3, 6, 3 का पहाड़ा पढ़ते रहिएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ध्यान रखिएगा इसमें माइक्रो कहा जा रहा है तो मिली के बाद माइक्रो आता है या 3 के बाद 6 आता है वही माइनस में जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा 10^-6 मीटर, ये मेरा क्या होगा कि ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जी हाँ, सीधा कोशिका का खोज कह देता तो हम तो डायरेक्ट मार देते हैं रॉबर्ट हुक साहब का, लेकिन डायरेक्ट कोशिका का नहीं कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कोशिका का खोज किसने किया, ध्यान रखिएगा। जीवित कोशिका को भी कह रहा है, मरे हुए कोशिका की बात नहीं कर रहा है, जीवित कोशिका का। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए कि रॉबर्ट हुक साहब है, या दूसरा नंबर आपको कह रहा है पुरकेंजी है, या तीसरा नंबर कह रहा है कि लिवेन हॉक साहब है, या चौथा नंबर आपको कह रहा है रॉबर्ट ब्राउन साहब है, कौन है। तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था वो भी एक पानी में जल में उन्होंने क्या किया था, एक कोशिका देखा था माइक्रोस्कोप से जल में जो जीवित था, ठीक है। तो उसकी जीवित कोशिका का खोज जो किया था ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन लिवेन हॉक होगा, ध्यान रखिए। अब वैसे
कोशिका का सबसे पहले अगर खोज किया गया था 1665 ईस्वी में तो वो रॉबर्ट ब्राउन साहब के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, जीवित का नहीं, इसमें सीधा जीवित का कह दिया है, तो जीवित का कह दिया तो ये लिवेन हॉक साहब ही होंगे, ध्यान रखिएगा। और सीधा कोशिका कहता तो दोस्त हम सीधा कोशिका मार देते रहा, सीधा कौन सा, रॉबर्ट हुक का, ठीक है। तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। चलिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, दोस्त फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट जो भी आपका जो सेट लेकर के आएंगे वो काफी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। इसलिए मिस मत कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं तो बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट होता है, एक रुपया पैसा नहीं लगता है, जाकर के फटाफट टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। उसका रिजल्ट आई स्कोर कार्ड हम कल लेकर के आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक इजाजत दीजिए हमको, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।